हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें इस क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दी गई हैं, हमें उन इक्वेशंस को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया गया है, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें यहां पर इक्वेशन दी गई है 5p+2=17 और हमें इस इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। अब यहां पर अगर हम इस वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इसका यह मतलब होगा कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको यह समझाया था स्टूडेंट्स कि ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा आप किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल दिया गया है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें वेरिएबल p दिया गया है, हम इस वेरिएबल p की जगह अलग अलग वैल्यू को पुट करके देखेंगे और जिस वैल्यू को रखने पर LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे, यानी कि जिस वैल्यू को रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, p की वही वैल्यू होगी और इसी मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो जैसा कि यहां पर हमें इक्वेशन दी गई है 5p+2=17, तो यहां पर वेरिएबल है p, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट p=1 इन LHS, यानी कि हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में p की वैल्यू 1 रखकर देखेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। आप चाहे तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। जो वैल्यू आप p की जगह पर रखना चाहते हैं, आप उस वैल्यू को p की जगह पर रख सकते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे LHS=5p+2, क्योंकि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 5p+2। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 5p का मतलब होता है 5 × p, तो ये 5 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और p की जगह हम रखेंगे 1, ये प्लस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 2 भी यहां पर एज इट इज आ जाएगा। और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा 5, तो यहां पर आप लिखेंगे 5, प्लस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 2 भी यहां पर एज इट इज आएगा। और जब आप 5 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7, तो यहां पर आप लिखेंगे 7। अब आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपने LHS में p की जगह 1 रखा तो LHS का आंसर आया 7 और यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड में 17 है। इसका यह मतलब हो स्टूडेंट्स कि p की जगह 1 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS is not equal to RHS। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि p=1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है और अभी तक हमें p की सही वैल्यू नहीं मिली है और यह इक्वेशन अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। इसके बाद हम लिखेंगे पुट p=2 इन LHS, यानी कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह 2 रख के देखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS is equal to 5p+2, ये 5 यहां पर एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और p की जगह यहां पर हम 2 रखेंगे, ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा और ये 2 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 10, तो यहां पर आप लिखेंगे 10, ये प्लस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 2 भी यहां पर एज इट इज आएगा। और जब आप 10 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 12, तो यहां पर आप लिखेंगे 12। तो जब हमने LHS में p की जगह 2 रखा तो LHS का आंसर आया 12, जबकि RHS यानी कि राइट हैंड साइड में है 17। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि p की जगह 2 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS is not equal to RHS, यानी कि p=2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट p=3 इन LHS, यानी कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड में p की वैल्यू 3 पुट करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS is equal to 5p+2, 5 एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, p की जगह यहां पर हम 3 रखेंगे, ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा और ये 2 भी एज इट इज आएगा।
जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपको मिलेगा 15, तो यहां पर आप लिखेंगे 15, ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा और ये 2 भी एज इट इज आएगा, और जब आप 15 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 17, तो यहां पर आप लिखेंगे 17। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह 3 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 17 और राइट हैंड साइड में भी 17 है। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि p की जगह 3 रखने पर LHS और RHS इक्वल आ गए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। और अब हमें p की सही वैल्यू मिल गई है, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन, यानी कि p इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि p की वैल्यू 3 रखने पर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं और अब ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है। सेकंड पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 और हमें ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी हमें m की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसे इस इक्वेशन में रखने पर LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 1 इन LHS, यानी हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में m की वैल्यू 1 रखेंगे और ये देखेंगे कि m की वैल्यू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है या नहीं। यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3m माइनस 14, ये 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, m की जगह यहां पर हम रखेंगे 1, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा 3, तो यहां पर आप लिखेंगे 3, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 3 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो आप 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 11, और देखिए बड़ा नंबर 14 है और 14 का साइन नेगेटिव है, तो जो 11 आपको मिलेगा उसका साइन भी नेगेटिव होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 11। तो जब हमने LHS में m की जगह 1 रखा तो LHS का आंसर आया माइनस 11 और यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS में 4 है, यानी कि m की वैल्यू 1 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि m इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 2 इन LHS, यानी कि हम LHS में m की वैल्यू 2 रखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3m माइनस 14, ये 3 यहां पर एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, m की जगह यहां पर हम 2 रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 6, तो यहां पर आप लिखेंगे 6, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 एज इट इज आएगा। अब यहां पर 6 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो आप 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8, और यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ा नंबर 14 है और 14 का साइन नेगेटिव है, तो जो 8 आपको मिलेगा उसका साइन भी नेगेटिव होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 8। तो जब हमने LHS में m की जगह 2 रखा तो LHS का आंसर आया माइनस 8, जबकि राइट हैंड साइड है 4। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि m की वैल्यू 2 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि m इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 3 इन LHS, यानी अब हम LHS में m की वैल्यू 3 रखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3m माइनस 14, ये 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, m की जगह हम 3 रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपको मिलेगा 9, तो यहां पर आप लिखेंगे 9, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और 14 एज इट इज आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 9 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो आप 14 में से 9 को माइनस कर देंगे, और जब आप 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5, और देखिए बड़ा नंबर 14 है जिसका साइन नेगेटिव है, तो जो आंसर आपको 5 मिला इसका साइन भी नेगेटिव आएगा, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 5।
तो जब हमने LHS में M की जगह 3 रखा तो LHS का आंसर आया -5, जबकि इक्वेशन की राइट हैंड साइड है 4। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन में M की जगह 3 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि M इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट M इज इक्वल टू 4 इन LHS, यानी कि LHS में हम M की जगह 4 रखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3M-14, ये 3 यहां पर एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, M की जगह हम रखेंगे 4, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 12, तो यहां पर आप लिखेंगे 12, ये माइनस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 14 भी एज इट इज आएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 12 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो आप 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और बड़ा नंबर है 14 और 14 का साइन है नेगेटिव, तो यहां 2 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, तो यहां पर आप लिखेंगे -2। तो जब हमने LHS में M की जगह 4 रखा तो LHS का आंसर आया -2, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में 4 है। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि M की वैल्यू 4 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि M इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट M इज इक्वल टू 5 इन LHS, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड में M की जगह 5 रखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3M-14, ये 3 यहां पर एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, M की जगह हम 5 रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 15, तो यहां पर आप लिखेंगे 15, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 15 में से माइनस करेंगे 14 को तो आपको मिलेगा 1, तो यहां पर आप लिखेंगे 1। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में M की जगह 5 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1 और राइट हैंड साइड में दिया गया है 4। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि M की वैल्यू 5 रखने पर LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि M इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट M इज इक्वल टू 6 इन LHS, यानी कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड में M की वैल्यू 6 रखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3M-14, ये 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, M की जगह हम 6 रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपको मिलेगा 18, तो यहां पर आप लिखेंगे 18, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 18 में से माइनस करेंगे 14 को तो आपको मिलेगा 4, तो यहां पर आप लिखेंगे 4। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में M की जगह 6 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 4 और राइट हैंड साइड में भी 4 है। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि M की वैल्यू 6 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि M इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो यहां पर हम लिखेंगे therefore M इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि M की वैल्यू 6 रखने पर ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।